गाइस, दिस इज कायनात एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये मेरा पेपर्स के बाद सेकंड व्लॉग है। अभी अभी पेपर्स खत्म हुए हैं, अब हमारे प्रैक्टिकल्स रहते हैं। मेरे दो ही प्रैक्टिकल्स हैं और आज हमें टीचर्स ने बुलाया हुआ था प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन करने के लिए। सो आज पूरा दिन हमने इंजॉय किया और आज कॉलेज का लास्ट डे है। सो इसके बाद से प्रैक्टिकल वाले दिन आना है और उस दिन तो पेपर होगा, पहले ही टेंस्ट होंगे। सो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी अपना कॉलेज शेयर करूँ। आज हम भी कॉलेज घूम रहे हैं। सो ये मेरी फ्रेंड्स, वो पीछे आपको नजर आ रही होगी तैयबा, और ये है ईशा। और अभी हम लोग आपको अपना कॉलेज दिखाते हैं, फौजी फाउंडेशन कॉलेज फॉर गर्ल्स। तो स्टे ट्यून्ड। जा रहे हैं हम लोग, ये देखें तैयबा और ईशा आगे आगे जा रही हैं। सो ये बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे उल्लू भी होते हैं। ये जगह मुझे कॉलेज की बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है यहाँ से कॉलेज। और ये यहाँ पे बसेस खड़ी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे स्लाइड है, मैं आपको अपनी स्लाइड की वीडियो भी लगाऊंगी। मैंने स्लाइड ली थी और इतनी बुरी तरह ली है और मेरे कपड़े पूरे गीले हो गए। ये देखें यहाँ पे थोड़ा गंदा है और यहाँ से मेरे सारे कपड़े भी ख़राब हो गए और वहाँ से मैंने स्लाइड ली है, लेकिन आया बड़ा मज़ा है। तो यहाँ पर ये देखें, ये ट्रीज ही ट्रीज है। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, वैसे यहाँ पे पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं। ऊपर आसमान देखें कितना प्यारा है, और वो जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहा है ना, वो वाला, वहाँ पे उल्लू बैठती हैं और मुझे उल्लू बहुत पसंद है। ये देखें नीचे ट्रैक भी बना हुआ है, उन उल्लुओं का नाम मैंने क्रश उल्लू रखा है क्योंकि वो बहुत ही प्यारे हैं, उनकी आँखें बहुत प्यारी हैं। तो ये बसेस वगैरह खड़ी हैं, तो चले आगे से अंदर चलती हैं। और ये यहाँ पे ग्राउंड का रास्ता है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये हमारा अकाउंट्स ऑफिस है और यहाँ से आप एंटर हो जाएं कॉरिडोर में। सो ये हमारी क्लासेस हैं सेकंड ईयर के, सेकंड ईयर जे। और ये हमारा असेंबली ग्राउंड है, यहाँ पे हमारी असेंबली होती है। और ये प्यारा सा ब्लॉक है, और ये अलीना, ये है अलीना। और यहाँ से ऊपर स्टेयर जा रही हैं, ये सेकंड ईयर एच है। और हमारी अपनी यहाँ से अंदर जाते हैं, मैं आपको अपनी क्लास सेकेंड ईयर जी दिखाती हूँ। अंदर जाते हैं, अंधेरा है, लाइट्स ऑन करते हैं। सारी लाइट्स ऑन है लेकिन फिर भी ना, ये ईशा और तैयबा चोरियां कर रहे हैं। मजाक कर रही हूँ। ये देखें, ये हम लोग यहाँ से एक एक चीज उतार रहे हैं जो हमारा वो होगी, निशानी होगी जो हम रखेंगे। सो तैयबा ने यहाँ से ये वाला फूल उतारा है, सो मैं भी ये वाला फूल उतार लेती हूँ। ओह, ईशा ने देखें किस पे नजर रखी है, वो बियर पे। ईशा का दिल आया पांडे पे, ये पांडा बहुत प्यारा है, किस्मा ने बनाया है। और मुझे ये फैल्कन बहुत पसंद आया है। और आप देखें, ये आर्टिस्ट कायनात ने, ये उल्लू नहीं है, ये पैरेट है, ये मैंने बनाया है। और ये वाली कैलीग्राफी भी मैंने लिखी है। और ये भी, ये हमारा आर्ट बोर्ड है, ये ईशा ने बनाया है। देखें कितने प्यारे प्यारे हैं, ये सारी टीचर्स के नाम हैं। और ये उड़ीदा ने बनाए हैं, और ये भी ईशा ने। और ये ऊपर मैम का नाम ही गलत है, असल में ये हमारी मैम है गुलेजारा। और ये चेयर्स हैं, इन पे भी देखें आर्ट हुई हुई है, इसको ना चेयर आर्ट बोलते हैं। ये इंशाल्लाह आने वाले ईयर्स में बहुत फेमस होने वाली है। और ये देखें, ये BTS के फैंस इन्होंने, और ये अलीना की चेयर है, देखें इस पे नाम लिखे है, इस पे अलीना के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। और आपको करना क्या है, चेयर पे बैठ के सिर्फ स्माइल करनी है, आप इस पे बैठ के रो नहीं सकते।
और ये शेर व शायरी की भी महफिलें होती हैं यहाँ पे। ये देखें, ये शायरी है और ये हमारी क्लास के ब्रोकन हार्ट की जो है चेयर है, इस पे सारे सैड सैड। तो ये था छोटा सा टूर हमारी सेकंड ये जी का, ये हमारी क्लास है, ये हमारा डाइस है और यहाँ स्टेज पे चढ़ के हम चले बिजली बचाते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं और निकलते हैं। सो ये अंदर कॉरिडोर है। मेरा आज ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन सिर्फ सिर्फ ईशा और तैयबा की वजह से और इन्होंने आइडिया दिया था तो मैं वीडियो बना रही हूँ। अब हम दोबारा मिशन पे हैं क्योंकि अभी हमने पांडा भी लेना है और उसके बाद वो फैल्कन भी। पता नहीं ये जिन जो इनके ऑनर्स हैं वो हम पे गुस्सा ना हो। सो लेट्स गो, ईशा पांडा ले लो। और मुझे ये पसंद है, ये मेरी ड्राइंग्स कहाँ जाएंगी? ये आई थिंक प्रैक्टिकल वाले दिन उतार के ले जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे अल्लाह के नाम ज़ाया ही होंगे। और ये बहुत प्यारा है, इसको उतार लेती हूँ। और ये मैंने उठा लिया है और वो पांडा है। तैयबा का बस एक फूल पे गुजारा हो गया है। तो गाइस अभी गार्ड्स वगैरह सब निकाल रहे हैं, कॉलेज खाली हो रहा है, जल्दी जल्दी वीडियो बनाती हूँ। ऊपर ऑडिटोरियम है, ये अंकल निकाल रहे हैं और वो ऊपर देखने, ये ऑडिटोरियम है, ये कैफे है और ये हमारा जूस है और ये कैफे है। और टीचर्स बैठी हुई थी। ये वाटर कूलर है, अभी मेरे पास ग्लास ही नहीं है। ये देखें ग्लास भी स्टील का रखा हुआ है। छोड़ें पानी नहीं पीना, प्यास ही बुझ गई है इसको देख के। और वो अंदर से हमारा बाकी का कॉलेज है। अब गार्ड्स फोर्स कर रहे हैं कि निकलो निकलो, तो इस वजह से निकलना पड़ रहा है। एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, अंदर से इतना ज़्यादा मैंने घुमाया नहीं है आपको। और ये रोजेज लगे हुए हैं लेकिन मैं नहीं तोड़ रही, तरस आ रहे हैं मुझे इन पे। सो ये स्नैपचैट यूज़ करने वाली आवाम स्नैप्स और स्ट्रीक्स ले रही है। और विर्जिलिया को देखें, बाल खोल के बैठी हुई है। विर्जिलिया है ना ओ, ये भी फूल लगे हुए हैं। सो ये ऊपर ऊपर तक हमारी कॉलेज की बिल्डिंग है। और यहाँ से वहाँ आगे वाली साइड से एंटर होते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल की गाड़ी है और पौड़ी वाड़ी कोई नहीं हो रही है। तो ये देखें यहाँ घास कट रहा है, गंदी सी आवाज़ तो आपको आ रही होगी। ये सीरियसली इस मशीन की आवाज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। ये मैम मरियम पेंटिंग कर रही हैं, देखें दरख्तों पे, अभी पास से दिखाती हूँ आपको। ये मेन गेट है और ये देखें ये सामने वाला लॉन है और वो लिखा है FFCG ब्लू कलर से। और वो सामने हमारा दूसरा विंग है, वो पहले बॉयज़ की बिल्डिंग थी वो वाली और अब गर्ल्स की है। और ये देखें आप यहाँ से रास्ता है अंदर जाने का। और ये हमारा फातिमा जी, ये खदीजा ब्लॉक था, अभी फातिमा जी ना ब्लॉक रहते हैं। और ये मैं मरियम पेंटिंग करके दिखाती हूँ। दिखा देती हूँ जल्दी से। ये यहाँ पर ये हमारा 4G फाउंडेशन का मेन गेट है, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और वो लिखा है 4G फाउंडेशन कॉलेज। और ये भी नया पेंट हो रहा है, ये देखिए 4G फाउंडेशन कॉलेज फॉर गर्ल्स। और ये एंट्रेंस और यहाँ से अंदर ऑफिसेज हैं हमारे और ये बसेज हैं। बस अब मैं निकलने लगी हूँ यहाँ से आगे। तो ये था खदीजा ब्लॉग हमारा जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, सेकंड ईयर है यहाँ पर और 9th 10th है। 8th क्लास को और 10th क्लास नहीं, 8th और फर्स्ट ईयर को फातिमा जिना ब्लॉग जी वो नया बना है, तो फातिमा जिना ब्लॉग में 8th क्लास और फर्स्ट ईयर होती है। सो ये गेट यहाँ से निकलें। और अभी मौसम इतना अच्छा हो गया है, बहुत हवाएँ चल रही हैं। और ये ईशा चली गई, ओहो वो जा रही है। और ये कॉलेज अब आए, यहाँ सामने बॉयज़ कॉलेज की पार्किंग है, पार्किंग कह रही हूँ पार्किंग है। और यहाँ पर बॉयज़ खड़े होकर पार्किंग करते हैं
यहाँ पर एक्चुअली बॉयज बाइक खड़े करते हैं, ये पहले वहाँ पर बॉयज कॉलेज की विंडोज थी। हाँ ये ना यहाँ पर बॉयज कॉलेज की पहले वो जो खिड़कियाँ थी उनके आगे ये लगे होते थे, और अब उतार के यहाँ लगा दी है ताकि यहाँ पार्किंग से बॉयज झांक ना सके। सो ये अभी यहाँ पर बसेस कभी खड़ी होती हैं, और वो सामने बॉयज कॉलेज है, आपको थोड़ा करीब से दिखाती हूँ। वो नज़र आ रहा होगा वो बॉयज़ विंग है, वो नई बिल्डिंग बनी है बॉयज़ कॉलेज की, लिखा हुआ है सुनहरे अल्फाज से फौजी फाउंडेशन कॉलेज फॉर बॉयज़। तो ये उनकी बसेस खड़ी हैं, और ये हमारे कॉलेज की पार्किंग है, यहाँ पे टीचर्स और स्टाफ्स वगैरह की सारी चीज़ें, वो जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो खड़ी होती हैं। ये देखें कितना गंदा पानी खड़ा हो गया, इसको तो किसी ने साफ़ ही नहीं किया। ये थी हमारे कॉलेज की खदीजा ब्लॉग। और एक्चुअली इतने कॉलेज वालों का वो मसला होता है ना हम बेचारों से, कि सेकेंड ईयर में जाते जाते हमारी जान नहीं छोड़े, हमें फातिमा जिना ब्लॉक में नहीं एंटर होने देते। कितना अच्छा आसमान आ रहा है देखें, ये हमारा ये वाला वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम कम ड्राइंग रूम ज़्यादा है, यहाँ पे लड़कियाँ आके चेंज वगैरह करती हैं, लाइक कपड़े नहीं चेंज करती, मतलब जिन्होंने अबाया पहना होता है वो पहनती हैं उतारती हैं। ये छोटा सा कमरा है और ये पार्किंग है। अब बहुत बाहर धूप हो रही है, सो इतनी धूप है और बिल्कुल थक चुकी हूँ मैं, और इतनी धूप में वीडियो बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी है क्योंकि जुलाई का महीना है, और जुलाई में वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और अब मैं आपको आगे सामने से दिखाती हूँ, यहाँ पे फाउंडेशन इंस्टीट्यूट भी है, अगर आपने कोई स्किल्स वगैरह सीखने हैं तो आप फौजी फाउंडेशन तो नहीं है, फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ फिनिशिंग स्किल्स डेवलपमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट किस्म के कोर्सेज कराते हैं। खैर मेरी वीडियो को स्पॉन्सर तो नहीं किया, लेकिन करने हैं तो कर लें आप ज्वाइन। हमने सारा बॉयज़ विंग है, ये बॉयज़ विंग की वो वाली बिल्डिंग है जो मेन बिल्डिंग है। एक्चुअली हमारे कॉलेज वालों ने इसको ना वाइट पेंट किया हुआ है, और बॉयज़ वालों ने ग्रे। तो ये ऊपर ये इंस्टीट्यूट है, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो, ये यहाँ पर फाउंडेशन फिनिशिंग स्किल्स है जहाँ पर आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं। पहले ये बॉयज़ कॉलेज की बिल्डिंग थी, और ये हमारा दूसरा गेट है जिससे ज़्यादातर बसेस निकलती होती हैं, और वो मैम आमना आ रही हैं जिनसे मुझे बहुत डर लगता है। वो ऊपर जो FFCG के पीछे बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो अभी बॉयज़ कॉलेज की है, गर्ल्स कॉलेज के पहले वो बॉयज़ की थी। और इस जगह पे हमारे कॉलेज की गर्ल्स वगैरह स्कूटीज़ भी पार्क कर सकती हैं, अभी तो खैर स्टाफ के बाइक्स पार्क हैं क्योंकि स्कूटी वाली बच्चियाँ आई भी नहीं हैं। बस अब निकलने वाला सीन है, छुट्टी हो गई है, और एक्चुअली इन्होंने 12 बजे तक बुलाया था लेकिन प्रैक्टिकल्स तो कुछ भी नहीं करवाए खास, और टाइम ही ज़ाया हुआ है। आज वैसे ही कॉलेज वालों ने हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया था, कोई खास सीन तो नहीं था क्योंकि प्रैक्टिकल नोटबुक्स पहले चेक हो चुकी थी, साइन भी हो चुकी थी, और मेरे साथ इतना बुरा हुआ है होम इकोनॉमिक्स की मैम ने, मैंने इतनी मेहनत से सारे वो बनाए थे प्रोजेक्ट्स वगैरह, इतनी मेहनत से सारे प्रैक्टिकल्स किए थे, और मैम ने एक्सीलेंट स्टार कुछ भी नहीं दिया। तो अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुद ही एक्सीलेंट स्टार दे दूँ। और अपने कॉलेज में हमारा एक भी पेपर नहीं हुआ था, बाकी बाहर के सेंटर्स बने थे, तो इस वजह से इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। आधी फ्रेंड्स एक कॉलेज में थी और आधी दूसरी में। है जीनत रानिया, ये जीनत देखें कितना तैयार होकर आई है, ओह माय गॉड आज तो बड़ी अच्छी लग रही है, इतना अच्छा स्कर्ट पहन कर आई है। और ये रानिया हमेशा की तरह जीनत के साथ, और इसका स्पेशली ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद आया, ये देखें बहुत प्यारा है। मैं गेट की तरफ खड़ी होकर भाई का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आए और बस मैं चलूँ। और ये देखें ये फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है, ये बॉयज़ कॉलेज के साथ, ये गर्ल्स कॉलेज से निकले बॉयज़ कॉलेज है, बॉयज़ कॉलेज के साथ ये फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है। और अब मैं बस घर जा रही हूँ, मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है, जैसे ही कॉलेज से बाहर निकली हूँ, कॉलेज में इतनी धूप थी और जैसे ही छुट्टी हुई है तो सारा इतना अच्छा मौसम हो गया है, और बस अब हवाएँ चल रही हैं और अब जाना है। तो चलें मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।